भक्तिगण राग मार्ग भजी पाइल ब्रजेंद्र नंदन। इसका दृष्टांत है कि ये श्रुति भगवती जो श्रुतियां हैं, वेद है, वेद की ऋचाएं हैं, ये सब गोपियों के अनुगत होकर के श्री कृष्ण की आराधना की और श्री कृष्ण को पाया। और वही जो लक्ष्मी है वो श्री कृष्ण को नहीं पा रही, क्योंकि गोपी की अनुगति स्वीकार की, गोपी के पीछे पीछे चल करके श्रुतियां श्री कृष्ण को पा गई, लेकिन लक्ष्मी नहीं पाए। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में मिलती है। निवृत मरुन मनो छदृढ़ जो गयु जो रिदिजन मुनय उपासते तदरयो पियो स्मरणा। बड़े बड़े जोगी जति लोग जिस श्री कृष्ण को पाने के लिए निवृत एकांत में जाकर के मरुत अपने प्राण वायु को बस में कर लेते हैं, मन को अपने इंद्रियों को बस में करके जोग युक्त होकर के जिन श्री हरि की आराधना करते हैं, उसी हरि को श्री कृष्ण का चिंतन करके तदरयोपियु स्मरण है। देखिए केवल स्मरण की महिमा है। जिन भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगी लोग एकांत में जाकर के अपने प्राण वायु को बस में करते हैं, अपने मन इंद्रियों को बस में करके दृढ़ जोग के द्वारा जिन हरि को प्राप्त करते हैं, उसी हरि को कौन प्राप्त कर लेता है? तो पुत्र अघासुर बकासुर धेनुकासुर जितने भी ब्रज में राक्षस आ गए, तदरयो पियुष्मान गाढ़ चिंतन करके उसी प्रभु को प्राप्त करें। यहाँ तक कि जिन प्रभु को गोपियां पाई, स्त्री और गेंद्र भोग भुज दंड विषक्त दिया, जिन श्री कृष्ण को अपने बाहों में भर ली या उर्गेंद्र भोग भुज दंड विषक्त दिया, सर्प जैसे सुंदर जिनका बाह है, उस बाह में एक बाह से के लोभ में विषक्त दिया गोपियां प्राप्त, उसी को समुद्र समुद्र सोंग सरोज सुधा, उसी को महाराज ये श्रुति कह रहे कि हम लोग भी पा गए, उसी गोपियों के अनुगत होकर के विधि मार्ग ना पाए ब्रजे कृष्ण चंद्र। ये विधि मार्ग से श्री कृष्ण नहीं पाए। यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि गोपियों के अनुगति के बिना कोई भी कृष्ण को नहीं प्राप्त कर, खास करके ब्रजेंद्र नंदन जो है, ये ब्रजेंद्र नंदन विधि मार्ग से नहीं मिलेगी। एक किस मार्ग से मनेंगे तो गोपियों के अनुगति, विधि मार्ग ना पाई ब्रजे कृष्ण चंद्र। अतएव गोपी भाव करियोगी का रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण रति भाव। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि जिस रस का मैं आस्वादन करता हूँ ये विधि मार्ग से प्राप्त होने वाला नहीं है, इसको यदि प्राप्त करना है तो गोपी अतए गोपी भाव करी अंगीकार। गोपियाँ जैसे श्री कृष्ण से प्यार करती थी, अपना सुख की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान न देकर सतत केवल कृष्ण सुख हेतु के लिए व्यवहार करती थी, तो इसी तरह गोपी भाव अनुगत स्वीकार करके गोपी भाव करी अंगीकार रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण लगिया, रात दिन केवल कृष्ण सुख के लिए भी चिंतन करना, सिद्ध देह चिंती करे तहारो सेवक। इसलिए दीक्षा समय गुरु जी सिद्ध देह देते हैं, अपने मंजरी भाव देते हैं, तो सिद्ध देह चिंती करी तहत सेवक, अपने स्वरूप का चिंतन करके प्रियालाल के दिव्य विहार का स्मरण कर सखी भावे पाई राधा कृष्ण का चरण। ये राधा कृष्ण का जो चरण है इस भाव से प्राप्त हो जाए। गोपीय अनुगति बिना ईश्वर जे ज्ञाने भजिले नहीं पाए ब्रजेंद्र नंदन। गोपी भाव के बिना कोई ईश्वर ज्ञान से कितना भी भजे, उसको भले वैकुंठ मिल जाए, रमा वैकुंठ मिल जाए, अनंत कोटि वैकुंठ है उसमें कहीं दास सख्य वात्सल कोई रस मिल जाए, लेकिन जो ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त करना चाहता है तो भाई यहाँ तो केवल एक ही चीज है, वह है गोपियों का अनुगति, उनकी सेवा, उनके भाव।
ताहते दिष्टात लक्ष्मी करिला भजन तथापि न पाइला ब्रजे ब्रजेन्द्र नंदन। इसका दृष्टांत क्या है कि साक्षात वक्ष विलासिनी भगवान नारायण के वक्ष पर विलास करने वाली लक्ष्मी वैकुंठ को त्याग करके आज तक तपस्या कर रही है वृंदावन में, बेलवन में तपस्या कर रही है, लेकिन तथापि न पाए ब्रजे ब्रजेन्द्र नंदन। फिर भी आज तक लक्ष्मी को भगवान मिले ऐसा कहीं प्रमाण क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो गोपियों का अनुगति होना स्वीकार नहीं। जो वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है, कितना बड़ा ऐश्वर्य है, वो गोइठा थापने वाले स्त्री की पीछे पीछे क्यों चलेगी? ऐसा उसको समझ उसको नहीं, इतना झुकना नहीं है। ये आराधना है गोपी भाव, अपने आप को मिटा देना है। और लक्ष्मी महारानी को इतना झुका नहीं जाता है कि मैं गोपियों के पीछे पीछे क्यों चलूं। और यदि ब्रजेंद्र नंदन को प्राप्त करना है तो केवल एक ही उपाय है, यही पर यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस रस का आस्वादन करते समय कहे कि ये गोपी भाव के बिना ये प्राप्त नहीं। ठीक है, अभी महाराज जी आ गए हैं तो मैं बहुत उनका समय नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री गृंद बिहारी बिहारी सरकार की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री प्रिया प्रियतम की जय, श्री गृंद बिहारी बिहारी सरकार की जय, श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। गौर हरी।